दोस्तों सामने ये गेट आपको खुला हुआ दिख रहा है, ये देख सकते हो, ये शक्ति कपूर सर का घर है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको जो भी दिखा रहा हूँ ये शक्ति कपूर सर का घर है। इसी घर में रहते हैं शक्ति कपूर सर, पूरे फैमिली के साथ में रहते हैं यहीं पे। ये शक्ति कपूर सर है ना, हर एक मतलब पिक्चर में है ना, वो अपना एक अलग ही छाप छोड़ते थे, क्योंकि वो विलन से लेके चाचा ताऊ कॉमेडी हर चीज में वो बेस्ट करते थे। चाहे वो चाचा का रोल करते थे, अंकल मामा फूफा हर रोल करते थे, और एकदम से पिक्चर में ना वो अपने किरदार से जान डाल देते थे। 90 के टाइम में, 1990 के टाइम में अमरीश पुरी सर और शक्ति कपूर सर हर एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर का फेमस और पसंदीदा एक्टर था ब्रदर। तो आज मैं आपको दिखाने वाला दिखाता हूँ शक्ति कपूर सर का घर आगे चल के, क्योंकि अंदर से जाने पड़ते, मतलब ये वहाँ से आप जब जुहू बीच पे आओगे ना तो वहाँ से 5 से 6 मिनट लगते हैं जाने के लिए, और जब आप जाओगे ना तो वहाँ पे आपको सामने ही लिखा हुआ है पाम बीच, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना पड़ता है। मैं सब्सक्राइब करने के इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इससे क्या होता है कि एक मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में, और यूट्यूब चैनल का फैमिली भी बढ़ता है। तो प्लीज़ आप लोग रिक्वेस्ट है, अगर लाल कलर का बटन आपको दिख रहा है ना, ये सामने दिख रहा हो, तो इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ब्रदर, आ जाओ। सामने देख सकते हो ये है जुहू चौपाटी। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हो जुहू चौपाटी, अभी पानी कितना ऊपर आ रहा है आप देख सकते हो ब्रदर। और दोस्तों ये देख सकते हो, ये पूरा जो गार्डन एरिया आपको दिख रहा है ना, ये शिल्पा शेट्टी मैम और शक्ति कपूर सर के घर के ठीक अपोजिशन, यानी कि जुहू बीच के साइड। ये देखते हो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये शिल्पा शेट्टी मैम का घर है। ये जो देख सकते हो गार्डन एरिया ना पूरा, यहीं पे वो लोग जब मॉर्निंग के टाइम मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं तो इसी तरफ आते हैं, यहीं से वो लोग फोटो और वीडियो सेल्फी इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करते रहते हैं। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ शक्ति कपूर सर यहीं से, देख सकते हो ब्रदर, यहीं से मैं आपको बगल में वो क्लिप लगा रहा हूँ, यहीं से देख सकते हो। इसी गार्डन से 15 अगस्त के दिन यहाँ से वीडियो पोस्ट किया था। तो ये देख सकते हो पूरा जो ये गार्डन एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पे शक्ति कपूर सर हो गए, श्रद्धा कपूर जो उनकी बेटी है, वो भी बहुत सारे वीडियो फोटो इंस्टाग्राम पे वो अपलोड करती रहती है, दिखाती रहती है, क्योंकि सामने से सी फेसेस से पूरा एकदम से दिखाई, मतलब समुद्र दिखाई देता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ब्रदर। तो अब मैं चल के दिखाता हूँ शक्ति कपूर सर का घर। तो जैसे ही जुहू बीच से आप गली के अंदर आओगे तो आपको सबसे पहले सनी देओल सर का ऑफिस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सनी देओल, बॉबी देओल और धर्मेंद्र सर यहाँ पे अक्सर अपने फैंस के साथ में फोटो वोटो खिंचाते रहते हैं। ये देख सकते हो, ये वही गली है, और ये जो सामने व्हाइट कलर का ये देव आपको दिख रहा है ना, यही है सनी देओल सर का ऑफिस है। जी हाँ दोस्तों, ये सनी देओल सर, यहाँ देख सकते हो धर्मेंद्र सर का यहाँ पे एक फोटो भी आप देख सकते हो लैप लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा है। अभी तो मैं दोपहर का टाइम आया हूँ ना, इसलिए यहाँ पे पब्लिक उतना आता नहीं है, बहुत सारे कम पब्लिक आता है। निखिल जब आप संडे के टाइम आएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, यहाँ पे फोटो वोटो खिंचाने के लिए यहाँ पे आते रहते हैं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ शक्ति कपूर सर का घर दिखाता हूँ। ये देख सकते हो कितना महंगे महंगे गाड़ी है ब्रदर, और ये एरिया देख सकते हो कितना खूबसूरत है। और सामने जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ना, ये किनारा है, यानी घर का नाम किनारा है। ये शिल्पा शेट्टी मैम का घर है, और ये देख सकते हो यहाँ पे रिक्शा करा है ना, यहीं पे ये देख सकते हो ब्रदर, ये है शक्ति कपूर सर का घर है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हो रिक्शा यहाँ पे खड़ा है ना, वहाँ पे एक बोर्ड ऊपर लगा हुआ है, ये देख सकते हो, मैं बोर्ड को आप जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है पाम बीच, ये देख सकते हैं आप पाम बीच लिखा हुआ, ये इनके घर का नेम प्लेट है। और ये देख सकते हो ये मेन गेट है, यहाँ से अंदर आप जाएंगे, यानी कि उनके जो गाड़ी हो गया वो सब बाजू में ही पार्किंग है, देख सकते हो पार्किंग एरिया में पार्क किया हुआ है। तो इसी में शक्ति कपूर सर पूरे फैमिली के साथ में यहाँ पर रहते हैं ब्रदर, देख सकते हो आप। और सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो ये है शिल्पा शेट्टी मैम का घर है। ये देख सकते हो सामने जो आपको दिख रहा है, मैं पास चल के आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं ये उनका घर का नेम प्लेट है किनारा। और सामने देख सकते हो ये व्हाइट कलर का जो बंगलो आपको दिख रहा है, यही है शिल्पा शेट्टी मैम का घर है। तो अब जैसे ही आओगे जुहू चौपाटी ना, तो आप बाजू में बहुत सारे एक्टर का घर मिल जाएगा ब्रदर। आपको जैसे जुहू चौपाटी आते हो ना, एक बार हमारे चैनल पे आया करो, फेस्टिवल बॉय ब्लॉग सर्च करोगे ना आप, वहाँ पे आके जो भी एक्टर का आप नाम सर्च करोगे तो आपको दिख जाएंगे, वो एड्रेस पे जाके आप इजिली देख सकते हो। तो अब मैं अच्छे से दिखाता हूँ शक्ति कपूर सर का घर, क्योंकि उनका जो घर है ना, ये देख सकते हो ब्रदर, ये 60 करोड़ रुपये का घर है। सामने जो देख सकते हो, सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रहा है ना, पूरा बिल्डिंग तो शक्ति कपूर सर का नहीं है, लेकिन उसमें 7वें फ्लोर पे शक्ति कपूर सर पूरे फैमिली के साथ में रहते हैं। ये मुंबई के बहुत ही पॉश इलाके, यानी मुंबई के बहुत ही पॉपुलर और महंगे इलाके, बाजू में ही अक्षय कुमार का भी घर है। ये शक्ति कपूर सर के घर का नाम है पाम बीच, और अक्षय कुमार सर के घर का नाम है प्राइम बीच, जो कि बहुत ही अच्छे और मिलता जुलता एकदम से नाम भी है घर का। और यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा सा जूम करके थोड़ा अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। आप गेट यानी ये देख सकते हो, गेट का आप डिज़ाइन देख सकते हो, और साथ में मैं वो आपको पोस्टर भी दिखाया था, पाम बीच लिखा हुआ वो भी है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा है ब्रदर। और दोस्तों ये देख सकते हो, अभी गेट खुला है यहाँ पे साफ सफाई करने के लिए, यहाँ पे देख सकते हो जो पेड़ का जो और पत्ते जो होते हैं ना वो गिरते हैं, उनको साफ करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो गेट खोला है। तो मैं आपको थोड़ा अंदर का नज़र आपको जूम करके दिखाता हूँ। और सामने जो आपको दिख रहा है ना, वही घर है, वही बिल्डिंग है, उसी में 7वें फ्लोर पे रहते पूरे फैमिली के साथ में। वहाँ देख सकते हो गार्ड दादा खड़ा है,
और यहाँ पे गाड़ी का पार्किंग एरिया है, ये देख सकते हैं इस तरफ गाड़ी का पार्किंग एरिया है, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप आना चाहते हो तो मुंबई के जुहू इलाके में आओगे ब्रदर, अक्षय कुमार सर का भी घर आपको देखने मिलेगा और साथ में शक्ति कपूर सर का घर भी देखने को मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर करना ब्रदर।